हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ जो भाई इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, भाई का सपोर्ट करें, अजीत सिंह ब्लॉग को, अपने छोटे भाई को। और गाइस, फाइनली अभी ड्यूटी आया है, कन्फर्म हो गया है, ड्यूटी निकल रहा है। आप देख सकते हो राजगीर जाना है और ये राजन भैया का ड्यूटी स्लिप है। और हम लोग को ड्यूटी जाने से पहले ये लेना पड़ता है ड्यूटी स्लिप, और ड्यूटी जब क्लोज होता है तो इस पर साइन करवाना पड़ता है। और राजन भैया काफ़ी हम लोग को सपोर्ट करते हैं, ड्यूटी देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कोई नहीं, तो फिर चलिए अब चलते हैं। और राजन भैया ही बोले कि राजगीर जाना ही है तो पहले अपना घर चल जाओ, घर से फिर निकल जाओ। कहा कि राजगीर में गाइस रिपोर्टिंग है, शाम को 6:30 बजे रिपोर्टिंग है, तो उसी समय देख के अभी निकल गए। और ये अभी 10 बज रहा है, तो पहले घर जाएंगे और घर से उसके बाद फिर राजगीर जाएंगे। तो फिर चलिए आपसे रास्ते में बात करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग गौरी चौक पहुंच गए, और ये देख सकते हो आप राइट साइड में बहुत बड़ा गाइस ये पावर ग्रिड का प्लांट है, बहुत बड़ा है गाइस, ये देख लो आप। और इधर हम निकल रहे हैं अभी घर सीधा, और उसके बाद जाएंगे राजगीर। तो गाइस आप देख सकते हो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ बेलदारी चक। और ये गाइस इतना हैवी ब्रिज बन रहा है ना गाइस, इतना हैवी रेलवे का ब्रिज है जो सर मेरा साइड से आ रहा रेलवे और इधर जाता है राजगीर साइड, यहीं का ब्रिज है गाइस। इतना हैवी टाइप का बन रहा है, आप देख सकते हो गाइस पूरा ढलाई से बन रहा है, पूरा ढलाई से। इतना हैवी ब्रिज हम तो देखे नहीं है कहीं, अब बहुत दिन से काम इसमें लगा हुआ, बहुत दिन से। ये आप देख लो, ये देख लो अभी पूरा बना नहीं है, थोड़ा बाकी है। और नीचे से रेल है और ऊपर से 4 लाइन है, तो हम लोग बन जाएगा तो ऊपर से ही जाएंगे। और ये देखो अपना भाई का नेवारी का गाड़ी था, वो पलट गया है, तो सब लोग नेवारी फिर से सरिया रहे हैं। ये लोग लोड भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं गाइस, ये देख लो कितना भर गया, पूरा रोड भर गया, इतना लोड था इस गाड़ी में, ये देखो आप। और बहुत हैवी गाइस, ये देखो बहुत हैवी और लंबा पुल बन रहा है। चलिए फिर धीरे धीरे निकलते हैं और मस्ती करते हैं। अभी बज रहा है 10:30, तो फिर चलिए फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे डीजल लेने के लिए रुके हैं, डीजल लेते हैं उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से, और यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेगा जाने में घर। पहले डीजल लेते हैं उसके बाद फिर चलेंगे। गाइस ये देख लो कल रेट पटना में कुछ और यहाँ पे 96.89, डीजल का रेट रोज बढ़ रहा है, तो कोई नहीं, तो फिर चलिए फिर आगे आपसे बात करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग घर आ चुके हैं, अब देख सकते हो खाना खा रहे हैं। ये देखो चावल दाल और ये साड़ी का चोखा और ये आलू का चोखा, ये साथ में कौन खा रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? कस के बोलो। अभी खा रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? तो फाइनली अभी पहुंचे हैं जस्ट, खाना वाना मुँह हाथ धो के खाना खाने के लिए बैठे, और खाना खाएंगे उसके बाद फिर चलेंगे अपन लोग राजगीर। अभी 1-2 घंटा आराम करेंगे उसके बाद चलेंगे। तो गाइस हम लोग को ना बहुत कम घर का खाना नसीब होता है, बच्चों के साथ खाना बहुत कम, कभी कभी मौका मिल जाए, क्योंकि हर समय तो बाहर ही रहो, बाहर खाओ, कर भी क्या सकते हैं, बट कोई नहीं, होता है, ऐसा काम ही है ड्राइवरी लाइन, तो करना पड़ता है, मजबूरी है। तो फिर चलिए फिर। ये अभी क्या खा रहे हो बताओ? बूट की, बूट के हो रहा, बूट के हो रहा, कैसा लग रहा है? अच्छा। तो गाइस फाइनली अभी देख सकते हो, ये देखो, तो ये देख सकते हो अभी मम्मी, तो बस अभी मम्मी जस्ट बूट का होरा लगाया है और हम लोग अभी खा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब टाउन में देखने को नहीं मिलता बूट का होरा, देहाती में मिलता है ज्यादातर, और बहुत टेस्टी रहता है। तो देखो हम दोनों खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? टेस्टी कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा अच्छा। चलिए तो फिर गाइस फाइनली अभी सो के उठे हैं और चल रहे चलेंगे राजगीर। अभी बज रहा है 3 और यहाँ से 2 घंटा लगेगा, 2-2.5 घंटा। और देख रहे हो तो बच्चा कुरकुरे खा रहा है, बाय करो। ए कुछ लग गया जी
अभी चलो बाय, अभी चलो बाय बाय करो तो अभी रे बाय करो बाय। लोग पहुंच गए इस्लामपुर, आप देख सकते हो इस्लामपुर मार्केट में, और यहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर है, तो टाइम से हम लोग पहले पहुंच जाए क्योंकि अभी बज रहा है गाइस 4, तो यहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर है तो एक घंटा लगेगा, तो 5 बजे पहुंच जाएंगे, और टाइम था 6:30 बजे, तो कोई नहीं टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, तो टाइम से पहले पहुंच जाए तो बढ़िया ही है। और यहां से अपन लोग राइट जाएंगे तो पहुंच जाएंगे गया, लेकिन राइट नहीं जाना, अपन लोग सीधे जाना है और फिर सीधा सीधा ही तो देख सकते हो हम लोग को लेफ्ट जाना है इधर सीधा, और इधर से निकलेगा राजगीर सीधा। गाइस ये दिख रहा है ना, अभी हम लोग राजगीर पहुंच गए, और ये गाइस बन रहा है वो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उसी का बन रहा है ये, वो तो ख़त्म हो गया, वो आपको फुटेज अंदर हल्का दिख रहा होगा वो गाइस, वो ये नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, नया वाला राजगीर में बन रहा है ये, वो आपको वो देख रहा होगा, आपको बहुत हैवी बन रहा है गाइस, वो देखो आप अंदर हल्का दिख रहा होगा, वो आपको दिख रहा होगा गाइस वो सामने। गाइस यही मेन गेट है, ये देख सकते हो आप नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये जो न्यू बना है राजगीर में, और काफ़ी हैवी बन रहा है गाइस, जब एक बार ड्यूटी हमको मिला था तो इसमें अंदर गए थे यार, तो बहुत हैवी बन रहा है गाइस, ईटा उटा का उतना प्रयोग नहीं, बस सीमेंटेड बन रहा है, पूरा ढलाई का ही बन रहा है, एकदम सेम ऐसा ही बन रहा है जो नालंदा में था, वहाँ पे ये राजगीर में बन रहा है। तो गाइस फिलहाल अपन लोग पहुँच गए राजगीर, आप देख लो पीछे होटल, और यहाँ से पार्टी को रिसीव करना है और निकलना है बख्तियारपुर स्टेशन ड्रॉप करके और सीधा पटना, और देख सकते हो अपना गाड़ी इधर पार्किंग में लगा हुआ है, और पीछे ये होटल, यही होटल से रिसीव करना है, तो फिर चलिए हम चलते हैं रिसीव करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी पार्टी को तो ड्रॉप कर दिया बख्तियारपुर स्टेशन, और हम लोग पटना जा रहे हैं अकेले, आप देख सकते हो 4 लाइन पे पटना बख्तियारपुर हाईवे पे है अभी, इससे लगभग हम लोग को 40 से 45 मिनट लगेगा पटना पहुँचने में, छोड़ ड्रॉप कर दिए हैं सर को और चल रहे हैं हम लोग, तो फिर चलिए घर पहुंच के आपसे बात करते हैं, ये देख लो पूरा हाईवे। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. तो गाइस फिलहाल अभी रूम में तो आ चुके हैं, और अभी बज रहा है 10, जो बस चलते हैं सोने, तो आज के ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं, तो प्लीज़ जो भाई इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और भाई का सपोर्ट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।